खेत के परिसर में महुआ के फूल बेचने गए पत्नी सहित व्यक्ति की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना बुधवार की सुबह 7 बजे गढ़चिरौली के कोरची तहसील के कोहका मोकासा गांव में हुई है। पुलिस का अंदाज है कि खबरी होने के शक में नक्सलियों ने यह हत्या की है। मृतक कोटगुल निवासी जीवता गणपत राम टेके है। जानकारी के अनुसार वह अपनी पत्नी नीलम के साथ सुबह कोहका मोकासा के खेत परिसर में महुआ के फूल बेचने गया था, जहां एक नक्सली महिला ने नीलम से उसके पति का नाम पूछा। कुछ देर बाद दो नक्सली वहां आए और उसमें से एक ने नीलम को पकड़ा और अन्य ने जीविता को 200 मीटर दूर ले जाकर गोली मार दी। जीविता की सांसें चलने का ज्ञात होते ही तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को इस घटना की सूचना देने पर उनका अंदाज है कि नक्सलियों ने खबरी होने के शक में जीविता को गोली मारी है। बाकी आगे की जांच जारी है।